मिनिस्टर सीएम वगैरह बुलाने पड़ रहे, काम कर रहे, ये नहीं करना पड़ता। और केजरीवाल ने तो भटका बैठा दिया गवर्नमेंट का। एमसीडी चुनाव के लिए अब हर पार्टी जोर आजमाइश कर रही है, जनता किसी भी तरह से बस जीत का आशीर्वाद दे दे, इसके लिए हर पार्टी इस वक्त जद्दोजहद कर रही है। कोई रैली कर रहा है तो कोई सभाएं, तो अब तो डोर टू डोर कैंपेन भी आप देख रहे हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी वार्ड में, और यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ की जनता की आखिर समस्याएं क्या है और जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट देगी। केजरीवाल सरकार आ जाएगी, हमारे यहाँ इतना दुनिया भर का गंद मचा हुआ है, नालियों के ढेर लगे हैं कूड़े के, तो सब जे अगर केजरीवाल आ गई ना तो बहुत कुछ सुविधा मिलेगी। गली गली में कूड़े पड़े रहते हैं, ढेर पड़े, केजरीवाल आते नहीं, जिम्मेदार आते नहीं, कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिला, ये पूरी गंदगी पड़ी है, कोई कूड़ा उठाने वाले ना, बहुत गंदगी जा कर रखे हैं। एरिया में 15 साल से बीजेपी है, बीजेपी का कोई भी काम नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। और केजरीवाल सरकार ने इतना काम किया है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, फिर बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बार इस एरिया में हम आदमी पार्टी को चुनना चाहते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी छाया जी हैं, इनसे जानते हैं। छाया जी, आप यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर आपके क्या क्या मुद्दे हैं? जब जनता आपको चुनेगी तो किन मुद्दों पर आप काम करेंगी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ गंदगी का है, कूड़े के ढेर जो बने हुए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये ब्रह्मपुरी कहीं नहीं पूरी दिल्ली का है। विशेषकर मैं बात करूँ स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियाँ, जो एक पूरे देश में अभियान है, उसकी धज्जियाँ उड़ती देखनी है तो आप ब्रह्मपुरी का विजिट कर लीजिए, आप खुद भी एक एक गलियों में जाइएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा लेंटर माफिया, जो एक मकान बनते हैं वहाँ पर लेंटर माफिया आके खड़े हो जाते हैं गिद्ध की तरह से। एक गरीब आदमी मध्यम वर्ग अपने पूरे जीवन की कमाई लगा देता है एक घर बनाने में, एक घरौंदा बनाने में, वहाँ पर लेंटर माफिया जो एमसीडी के विशेषकर दलाल हैं, मैं उन्हें दलाल ही बोलूँगी, नकारा निकम्मे हैं, क्योंकि अगर किसी के घर की एक ईंट पे भी वो पैसा ले रहे हैं तो उनसे नालायक कोई नहीं। और आपको पता है पिछले 15 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है, दिल्ली नगर निगम में भी और ब्रह्मपुरी वार्ड में भी। देखिए, पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का और सांसद बीजेपी का, तब भी आप ब्रह्मपुरी की हालत देखिए कि कितनी खराब गलियां हैं यहाँ की, कूड़े के ढेर लगे हुए। गौरव जी, यहाँ पर देखिए जिस तरह कई सारे मुद्दे हम लोग देख रहे हैं, गंदगी का मुद्दा है, साफ सफाई को, पार्किंग को लेकर मुद्दे कई सारे हैं, छोटी तंग गलियां, ऐसे में जनता जब आम आदमी पार्टी को चुने तो क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनसे उन्हें निजात मिलेगी, जिन समस्याओं से निजात मिलेगी? नहीं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ी बात कह दी कि 10 तारीख के बाद कोई भी जो है किसी भी घर से जो है लेंटर के पैसे नहीं वसूले जाएंगे। एक बहुत बड़ी राहत है दिल्ली के लोगों के लिए। और इसके साथ साथ जो उन्होंने कह दिया कि अपनी 10 गारंटीज़ दी हैं, 10 की 10 गारंटीज इतनी शानदार हैं, आप किसी से भी आप वो हमारा पैम्पलेट्स पढ़कर देखिए, तो वो लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिससे वो रोज़ जूझ रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली के स्कूलों को शानदार किया, अस्पतालों को शानदार किया, और जो ये रोज़ भाजपा वाले रोते रहते हैं कि भाई दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती, एमसीडी के पैसे, सैलरी देने को पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं तो चाहता हूँ कि इस बार जो है 15 साल से आप लोग इनको देख रहे हो, 15 साल में इन्होंने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, क्षेत्र का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आज यहाँ का विधायक भी जो है अपने काम के नाम पर वोट नहीं मांगता, आज यहाँ का विधायक भी जो है मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है। इनको देखो कितने नकारा लोग हैं ये लोग, कि अगर इन्होंने 2.5 साल पहले लोगों ने एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ इनको चुनकर भेजा, आज उस उम्मीद पर खरा उतरना था, आज अपने काम गिनाने थे, तो यहाँ पर विधायक के पास काम गिनाने को नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर वोट देना चाहिए। अरे नाली खरंजों का कूड़े उठाने का चुनाव है, पिछले 15 साल से आप लोगों से कूड़ा नहीं उठाया गया, फिर 5 साल आप लोग कूड़ा उठाने के लिए ही मांग रहे हैं। तो इस बार क्षेत्र की जनता ने तय कर लिया कि इनकी सफाई करनी है और झाड़ू से ही सफाई करनी है। सबसे बड़ी बीजेपी की है कि वो हिंदू मुस्लिम में बहुत लड़ाइयाँ कराती है, ठीक है, इसके इसमें तो शुरू से ही रहा है बीजेपी, जब जब यहाँ पर रही है दंगे बढ़ते ही रहे हैं, दंगे कम नहीं होते हैं। यहाँ की समस्या सबसे पहले शिक्षा के ऊपर, जो हम आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, शिक्षा व्यवस्था और गंदगी के ऊपर, हमारे जो क्षेत्र में इतनी गंदगी है उसकी सफाई के ऊपर हम आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं।
पिछले सालों में बीजेपी ने हमारे क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया है, हमारे क्षेत्र की कोई सफाई नहीं हुई, शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं किया, जो भी काम हुआ है केजरीवाल जी की तरफ से हुआ, आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी कोई सी भी गली से निकल जाइए, सीवर भरी हुई मिलेगी, गंदगी इतनी रहे कि बच्चे लोग आने जा नहीं सकती है, इतनी ज़्यादा गंदगी है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे। मैं सफाई के मुद्दे पर वोट देना चाहूँगी, सफाई, क्योंकि चिकनगुनिया, डेंगू, इतने सारे मच्छर यहाँ पे, कोई कोरोना काल के अंदर भी सिर्फ एक आम आदमी पार्टी के वक्ता ने काम किया और किसी ने काम नहीं किया यहाँ पर, तो हम आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहेंगे। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर नालियों की सफाई को लेकर? अच्छा, यमुना भी यहाँ से पास है, तो क्या लगता है यमुना पास होने का फायदा मिला यहाँ की जनता को, या फिर लगता है कि नुकसान ही हुआ क्योंकि वहाँ पर भी सफाई नहीं और यहाँ पर भी? नहीं, सफाई नहीं हो रही और यहाँ पर भी सुना के कूड़ेदान अब यहाँ पर भी बनेगा, तो इसलिए जनता ज़्यादा अवेयर हो रही है। वो अब हाँ, सब चाहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी को चुने जिससे हमारा सफाई हो सके, और उन्होंने 10 वादे किए, वो कहते हैं हम अपने वादे पर खड़े उतरेंगे। आप भी सफाई के मुद्दे पर वोट देंगे? डेंगू फैला हुआ है, कोई मच्छर की दवाई नहीं, किसी चीज़ की सफाई नहीं, कोई गलियों में साफ सफाई, मेरी गली में इतने ऊँचे ऊँचे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कॉल कर दो कोई कॉल उठाने को तैयार नहीं है। आज तक हमने 5 साल के मतलब उसमें हमने आज तक अपना नेता नहीं देखा कि हमने किसको जिताया था और कौन जीता था, हमने किसी को नहीं देखा। 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में, क्या लगता है कि कोई काम नहीं किया, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि बहुत काम किया है? 1% काम नहीं किया, कहाँ किया, किया है तो हमें दिखाया अगर के ना, कहाँ है, क्या काम है? हमारी ब्रह्मपुरी में कोई आना नहीं चाहता, क्यों? इतना गंदा बाढ़ उड़ चुका है, इतनी गंदी, किसी भी गली में आप घुस जाओ बिना कीचड़ के या बिना किसी कूड़े के ढेर के, अभी आप किसी भी गली में, हर घर के दरवाजे कूड़े के ढेर क्यों है? ये बीमारी तो फैल रही है, क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। कभी आकर के हमारी गलियों की सुरक्षा देखी उसने? हमारी गलियों में क्या फैला हुआ है? वोट मांगने हम दो ने, हम तो आम आदमी पार्टी को वोट। ब्रह्मपुरी वार्ड के लोगों का कहना है कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो है सड़कों पर फैली हुई गंदगी, यानी जगह जगह लगा कूड़े का ढेर। इसके साथ ही लोगों की शिकायत ये भी है कि नालियों की सफाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है। ऐसी एक गली में हम मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं, एक छोटी तंग गली जहाँ पर नालियों का हाल आप देखिए कि किस तरह से नालियाँ जो हैं वो भरी हुई है। ये नालियाँ जहाँ पर सफाई का अभाव है, इसके साथ ही एक छोर नहीं दूसरा छोर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर रहते हैं, यानी रिहायशी इलाका है, गली है, जिसमें आप स्थिति देखिए और समझिए कि यहाँ पर जिस तरह कहा जाता है कि 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है, तो लोगों का कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है तो आखिर काम क्यों नहीं किया जा रहा है। और इस गली में आप दोनों छोर देखिए इसके, और यहाँ से आप समझिए कि आखिर आलम क्या है। यहाँ देखिए कि क्या ये मुमकिन है कि ऐसी जगह पर लोग रह पाएंगे? इस घर में रहने वाले लोगों की आप स्थिति समझिए, नालियां भरी हुई हैं, घर के जस्ट बाहर ही कूड़े का अंबार लगा हुआ है, तो आखिर वो करें तो करें क्या? आखिर सफाई की दरख्वास्त अगर वो करते हैं तो आखिर इसमें जनता की कमी क्या है, आखिर जनता की इसमें गलती क्या है? एक तरफ केंद्र सरकार चला रही है स्वच्छता मिशन, एक तरफ राज्य में भी आम आदमी पार्टी कहती है कि सफाई कराएंगे, लेकिन क्या 15 साल से एमसीडी चुनाव अब आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दोबारा से एमसीडी में आना है? अगर आना है तो फिर आखिर ये स्थिति क्यों है? देखिए जगह जगह आप देखिए घर के बाहर लगा ये कचरे का ढेर, यहाँ पर जनता ये चाहती है कि हर जगह यानी घर के बाहर, अब घर से जब भी बाहर निकलेंगे और अगर आपको ये कूड़े का अंबार देखने को मिलेगा तो यकीनन आपकी स्थिति भी वही होगी जो हर कोई सोच रहा है कि घर से बाहर अगर निकलना है तो निकलना ही क्यों है, जब निकलते ही घर के बाहर गंदगी का अंबार हो, गंदगी का ये अंबार जो कचरे का ढेर बना हुआ है, आखिर इसके लिए इंसान जाए तो जाए कहाँ? और यहाँ की जनता का यही कहना है कि इस बार जब वो वोट देंगे तो वो ध्यान में रखेंगे कि सफाई एक अहम मुद्दा है यहाँ के लिए। आइए, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इस गली में रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। आप इस गली में रहते हैं, यहाँ पर घर का गेट अगर हम खोलें, गेट खोलते ही कूड़ा पड़ा हुआ है, कैसे आप लोग यहाँ पर रहते हैं, सफाई नहीं होती? कूड़े वाला कहता है कि करिए उसको बुलाओ, ये हम यहाँ कूड़ा उठा के लेकर नहीं जाएंगे, यहाँ दूसरे दुनिया का कूड़ा है, यहाँ पे यहाँ कूड़ा हम नाम थोड़े डाल लें, जो दुनिया यहाँ बच्चे रह रहे हैं वो कूड़े डालते हैं, हम थोड़े डालने आ रहे हैं, कोई भी चलता फिरता रहा है कूड़ा फेंक के चले जाता है, हम उसे पकड़ थोड़ी सकते हैं किसी को, कोई भी आता है कोई भी ट्रेन वाला आता है, हम किसी को कूड़ा फेंकने बन देते, वो कूड़ा फेंक के चला जाता है, यहाँ पर बताऊँगा किसी को रोकेंगे यहाँ पर, और जिसे कूड़े वाले को क्या उठाने के लिए तो कहता है कि हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, तुम्हारे घर का कूड़ा तो घर में रखो, ये कूड़ा हम घर में थोड़ी रखेंगे, बाहर तो भारी जाएगा, घर में थोड़ी रखेंगे, घर में मच्छर रहेंगे, गिर रहेंगे, कहाँ से आएगा कूड़ा,
बिल्कुल आपसे भी समझना चाहेंगे, ये जो गली में हर जगह कूड़ा फैला हुआ है, इससे कितनी समस्याएं आप लोगों को होती हैं? मच्छर होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो बीमारी होती है, मरीज चल रहा है आजकल बहुत, आगे आगे मरीज वह हुआ है बच्चे के यहाँ, तो ये अब समस्या जब कोई नहीं उठाता नहीं आता तो क्या करें बताइए। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए महिलाएं जो है, महिलाएं साफ तौर पर कह रही हैं सफाई के मुद्दे पर वोट देंगे। आपको क्या लगता है 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, क्या कुछ काम किया कि नहीं किया? कोई काम नहीं किया, हर जगह गंदगी गंदगी, सिर्फ झाड़ू, ओनली झाड़ू। आपसे समझना चाहेंगे क्या लगता है, क्या मुद्दा है आपका इस बार इलेक्शन में एमसीडी में? आम आदमी पार्टी है मैडम, और गंदगी है बहुत, और गंदगी की सफाई के लिए केजरीवाल जी को चुनना जरूरी है। उनसे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, केजरीवाल से अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, इलाके में काम कराएंगे, इसलिए हम सब केजरीवाल के साथ जाएंगे। आप एक महिला होने के नाते इस बार एमसीडी चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देने वाली? मैं सफाई के मुद्दे पर पहले वोट देने वाली हूं, और 15 साल से बीजेपी थी हमारे इलाके में, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। काम किया है जैसे जिसके लैंडर डलते थे उनसे नोट लिया है, उन्हें गरीब किया है, उन्हें परेशान किया है, और कुछ नहीं किया है। और केजरीवाल जी आए हैं, जब से एक तो सरकारी स्कूल में इतना फ़ायदा हुआ है, सभी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और हॉस्पिटल्स और ये मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं उन्होंने, सभी के लिए बहुत परेशानी थी, अब परेशानी सॉल्व हो चुकी है। और बसों का किराया वो लेडीजों के लिए फ्री किया है, अब लेडीज उस पैसों को बचा के अपने बच्चों की पढ़ाई में लगा रही हैं और उनका खाने पीने का ध्यान रख रही है, इसलिए मैं आप पार्टी को बहुत देना चाहती हूँ। अच्छा, लेंटर पर उगाही का मुद्दा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, आप क्या कहेंगे, आप भी परेशान हैं इस मुद्दे से? बिल्कुल परेशान है, यहाँ सांसद भी भाजपा का दिए हैं और विधायक भी भाजपा का दिए हैं, और उसके बावजूद ये नेता आज तक यहाँ पे दर्शन ही नहीं दिए हैं, अगर कोई देखा हो तो हमें बता दे। आज इलेक्शन है तब भी कोई नेता यहाँ दर्शन नहीं दे रहा है, और झाड़ू बीजेपी के तो बड़े बड़े लीडर जो हैं वो इस वक्त डोर टू डोर कर रहे हैं, यहाँ पर कोई आया कि नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आए हैं। देखो, बीजेपी के सपोर्ट यहाँ भी लोग करने वाले हैं, लेकिन वो केंद्र के लिए करते हैं, लेकिन अच्छा, मतलब मोदी को वोट दे देंगे लेकिन यहाँ का जो लीडर होगा, यानी यहाँ पर जो पार्षद के लिए आएगा उसको नहीं देंगे, जो विधायक के लिए आएगा उसको नहीं देंगे? उसको बिल्कुल नहीं देंगे, इसलिए सब झाड़ू को सपोर्ट करेंगे, और झाड़ू जीत रही है इस बार, पूरे दिल्ली में बहुमत सरकार बना। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? क्षेत्र के मुद्दे तो बहुत हैं, अगर मैं गिनाने लग जाऊं तो बहुत हैं मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा साफ सफाई, देखिए आप कैमरा घुमा के देखिए वहाँ कूड़े। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगी, गोपाल जी आप दिखाइए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जनता लगातार सफाई का मुद्दा उठा रही है। ऑटो के आगे देखिए, देखिए, तो ये सफाई का मुद्दा है जो जनता लगातार उठा रही है। जनता का कहना है कि हर जगह कूड़े का अंबार है, तो ऐसे में जनता आखिर किस मुद्दे पर वोट दे? जी बताइए। सीवर भरे हुए हैं, यहाँ के सीवर भरे हुए हैं, बरसात के मौसम में गलियाँ सीवर से भर जाती है, नालियाँ भरी हुई हैं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। बट यहाँ पे मकान बनाओ तो एमसीडी के इंजीनियर, पुलिस वाले सब आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, उन्हें पैसे चाहिए, निगम पार्षद को पैसे चाहिए यहाँ के, जबकि हमने यहाँ पे अपना सांसद बीजेपी का चुना, विधायक बीजेपी का चुना, उसके बाद निगम पार्षद भी बीजेपी का चुना, उसके बाद भी हमें ये परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। अब हम परेशानियाँ बिल्कुल नहीं झेलेंगे, और जो है यहाँ से बिल्कुल बीजेपी का सफाया करेंगे, आम आदमी पार्टी को फिर से लेके आएंगे, एमसीडी में लेके आएंगे, अगली बार विधानसभा में भी लेके आएंगे। आप युवा हैं, आपके लिए इस बार एमसीडी चुनाव का क्या मुद्दा है? युवाओं के लिए कुछ किया आम आदमी पार्टी ने? युवाओं के लिए काफी कुछ की है, जैसे कि ये रेड लाइट वगैरह चलाया था ना, वो रेड लाइट वाला सिस्टम था ना वहाँ, वो भी युवाओं के लिए था। जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो भी युवाओं के लिए, बहुत सी चीज़ें युवाओं के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा एमसीडी में गंदगी, सफाई गंदगी बहुत है अब की बार, और यहाँ का एमएलए बीजेपी का, यहाँ पे जो पार्षद रहे हैं वो भी अभी बीजेपी के थे, यहाँ पे जो सांसद है वो भी बीजेपी का है, और मनोज तिवारी इतनी बड़ी हस्ती है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यहाँ पे जानी मानी हस्ती है ना, तब भी वो कुछ नहीं करा पाए, तो इसलिए आपके पास बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होके रहेगा। अच्छा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी और राज्य में भी, लेकिन यहाँ पर केंद्र के बाद एमसीडी में भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप बीजेपी को चुनेंगे तो सफाई होगी, तमाम मुद्दों पर काम किया जाएगा, 15 साल में क्या काम यहाँ पर किया गया? 15 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि हमारे करता नगर चौथे बुस्ते पर 5 बुस्ते कूड़े का पहाड़ ला रहे हैं लोग, तो सफाई तो है ही नहीं है। और सबसे अनाज जो दिल्ली में हुआ है ना एमसीडी में, जो लोगों ने किया है नॉर्थ की दिल्ली में किया है जमुनापार में, तो अब की बार बदलाव तय है, यहाँ पे 99% लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। नमस्ते, मेरा नाम अयान खान है, मैं देखता हूँ जब मैं घर जाता हूँ अपने, रास्ते में कूड़ा ढेर सारे मच्छर भरे रहते हैं,
और जब रात को सोते हैं हम मच्छर काट देते हैं उससे निमोनिया हो जाता है। हमारी समस्या ये है, नालियाँ भरी रहती हैं, कूड़े जगह जगह ढेर लगे रहते हैं और सफाई नहीं होती, इसलिए बीजेपी से हम राजी हैं, उनको ही वोट देना चाहते हैं हम। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं हैं? भाई यही समस्या है, बस कूड़ा नाली भरी रहना, सफाई ना होना, यही है, इसी वजह से हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। भाई राशन कार्ड पे तो कोई सुनाई नहीं है और कर्मचारी कोई सुने ही ना है और ना बुजुर्गन की ना कोई पेंशन दे रहो ना कोई सुविधा दे रहो, कोई नहीं है का, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। जो हम बीजेपी को सपोर्ट बीजेपी को कर रहे हैं लेकिन कोई सुविधा है नहीं किसी बात की। राशन कार्ड पे तो दफ्तर में पैसे दो तो करते हैं काम, जिस पैसे वाले को करते हैं वैसे गरीब आदमी को ना करें। जब ये कोरोना चला था अगर बेचारे एमसीडी वाले काम ना करते तो कितनी गंदगी फैल जाती, उन्होंने बेचारों ने खूब काम करा है, सुख में दुख में परिवार वालों ने भी साथ ना दिया, एमसीडी वालों ने साथ दिया है। अब बिजली पानी फ्री है, कुछ है कुछ, कोई फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, सबसे लिया जा रहा है पैसा, सब निकाल लेते हैं और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर बीजेपी जो है, हमें इसलिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बस फ्री चला रखी है लेकिन लेडीजों को देख के बस वाले चले जाते हैं, रोकते ही नहीं, बस बिल्कुल नहीं रोकते कि वैसे बस फ्री है जी, पानी फ्री है, लाइट वो फ्री है, वो सब लाइट फ्री है, लेकिन दुगना ले लेता है। यहाँ 2.5 साल हो गए विधायक जी को बने हुए, उन 2.5 सालों में उन्होंने यहाँ पे आके शक्ल भी दिखाई हो, गली पड़ोस में आके किसी को कोरोना में पूछा भी हो, सीट पे ना रहते हो, सारे काम सीट वाले कर रहे हैं। उनने 5 साल 2017 में इलेक्शन हारा था, 2017 से अभी तक कंटिन्यू काम चलता रहा है। इलेक्शन आप लॉकडाउन की वीडियो देखो, अगर एक भी आपको कोई महावर के यहाँ से हमारे एमएलए साहब हैं दिख जाएं, पार्षद जो छोड़ के भाग गया मैं बीच में ही, ठीक है ना, 4 साल मलाई खाई, जब इलेक्शन का टाइम आया लास्ट का बंदे ने पार्टी चेंज कर ली, कहो तो कहो किसको तुम कि ये नगर निगम चुनाव नाली गली का चुनाव होता है, ना कि केंद्र के राजनेता यहाँ पे आकर वोट मांगे, ये गली मोहल्ले का चुनाव है, जो समीज स्तर पे काम करेगा वो वोट मिलेगा, वो भाजपा का हो आपका हो किसी अन्य पार्टी का हो, जो जमीन पे स्तर काम होगा वो जनता उसको वोट देगी। कौन कह रहा है विधायक जी हमारे बीच में है कोरोना काल में, विधायक जी ने पूरा बताओ विधायक जी ने राशन बंटवाया सरकारी स्कूलों में, विधायक जी ने पाकिस्तान से लोग आए हुए थे हमारे यहाँ सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, वहाँ पे राशन पहुँचाया हमारे सिग्नेचर ब्रिज के नीचे हमारे श्री राजे मावर जी ने, कौन कह रहे विधायक जी नहीं आते थे, विधायक जी हमारे बीच में आते थे, हमारा दुख विधायक जी तो कहना बहुत अच्छे है, वो विधायक जी भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक जी तो थे ना, हमारे विधायक जी तो थे हमारे बीच में कोरोना काल में, हमारे राशन की पूछते थे, हम लोगों की, अरे हम लोगों की तरह गाते नहीं है, ऐसे काम नहीं कर रहे हमारे, अदर स्टेट के मिनिस्टर सीएम वगैरह बुलाने पड़ रहे, काम करा तो ये नहीं करना पड़ता है, मैंने काम कराने को सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ सुनाई करे, और केजरीवाल ने तो भट्टा बैठा दिया गवर्नमेंट का भी, खाने के चक्कर में बस केजरीवाल कुछ नहीं करेगा। कौन है क्या गौरव शर्मा, कौन है क्या पता, गौरव शर्मा रुके रुके गौरव शर्मा नहीं क्या पता, एक मिनट हमारे बीच में आते हमसे पूछो ना, देखिए शांत शांत शांत, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी बातें सुनने के लिए, सुनिए आपकी बातें सुनाई जा रही है, देखिए सुनिए 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 की जरूरत नहीं है, आप
आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप सपोर्ट करिए, आप सपोर्ट करिए। कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी संभाली, जो ये कह रहे हैं ना विधायक ने, हमारे में से सब एक विधायक है, विधायक जी का कहना था आप सब में से एक विधायक आप लोग भी हैं, हमारे हर एक कार्यकर्ता ने यहाँ सब कुछ संभाला है। मैडम ये सुनिए, ये सब सरासर झूठ बोल रहे हैं। कोरोना काल में, कोरोना काल में न तो यहाँ विधायक आया, वो ढाई साल में विधायक ये फोटो में दिखता है, शकल नहीं देगी विधायक की, विधायक की शकल नहीं देगी ये, यहाँ का निगम पार्षद झटके नहीं आया, कभी नहीं आया। गौरव भाई ने यहाँ छिड़काव किया, लोगों को सिलेंडर दिए, पूरे कोई झटके नहीं आया, पूरी कहीं सर्वे कर लीजिए आप, पूरा सर्वे कर लीजिए आप, कहीं भी ना इनकी सफाई हुई, कोरोना काल में कोई नहीं आया। हमारे साथ बीजेपी की कैंडिडेट कविता शर्मा जी है। कविता जी, कई सारे मुद्दे हैं इस बार एमसीडी चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या क्या काम इस बार करेंगी अगर आप जीतती हैं तो? जो निगम अधिकार क्षेत्र में मेरे आते हुए सारे सफाई हैं, सड़क व्यवस्था, सफाई सुरक्षा, वही सब मैं तब करूंगी। अब क्षेत्र में जीत के आऊँगी, जनता अगर मुझे समर्थन देती है, मुझे पार्षद बनाती है, जो एक पार्षद के अधिकार क्षेत्र में कार्य थे वह सभी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगी, और जो भी कार्य मेरे कार्याधीन आते हैं वो सब मैं करूंगी। अच्छा, सफाई का मुद्दा यहाँ पर एक प्रमुख मुद्दा है कि क्योंकि हमने अभी जो जनता की राय ली, उनका कहना है कि सफाइयाँ थोड़ी कम है, जो हम लोग क्योंकि न्यूज़ इंडिया ग्राउंड जीरो पर लगातार आया है, नालियों की समस्याएं लोगों ने बनाई हैं, उन्हें उनका निस्तारण करने के लिए आपका क्या रोड मैप रहेगा? मैडम ये देखिए, अभी तो हमारे जो पार्षद जी थे तो वो चले गए थे दूसरी पार्टी में, उसके बाद यहाँ विधायक जी देख रहे थे, बाकी अब निगम के जब चुनाव हो जाएंगे, मैं पार्षद नियुक्त होकर आऊँगी तो मैं अधिकारियों के साथ बैठक करूँगी, और जो भी सुचारू व्यवस्था है नालियों की, जो हमें दिक्कत है या नाले साफ़ नहीं हो रहे हैं, नालियों में जो गाद भरी है, वो सब मैं खुद स्वयं खड़ी होकर ठीक कराऊँगी, ताकि सफाई की व्यवस्था भी ठीक हो जाए। वैसे थोड़ी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं है समस्या, लेकिन उसको मैं खुद स्वयं खड़े होकर ठीक करवाऊँगी अधिकारियों के साथ। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कविता जी का कहना है कि यदि जनता उन्हें आशीर्वाद देती है और विजयी बनाती है तो उन कार्यों पर वो जरूर काम करेंगी और जनता की जो सुध है, जनता की जो समस्याएं, उन्हें सुनेंगी। ओ भारत जनता, तू भूल मत जाना, वो अब का जमाना इस मोदी जी के बलिदान का, जिससे चमका है सितारा हिंदुस्तान का। हम तो ये जानते हैं, बड़ा अच्छा कार्य कर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, ये करते रहे हम, उस प्रभु से भी वो कामनाएं करते हैं, ठीक कार्यक्रम चले। ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगी जो कुछ करेगी, और कोई सब खाने वाले। आज हम आए थे ब्रह्मपुरी के वार्ड 229 में और यहाँ के लोगों की समस्याओं को हमने सुना और जाना। यहाँ की प्रमुख समस्याओं की अगर बात कर ले तो कूड़े का ढेर और नालियों में जो गंदगी रहती है, यानी नालियों की सफाई नहीं होती है, ये यहाँ के लोगों की प्रमुख समस्याएं हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे और एक वार्ड में जाएंगे, एक और नए वार्ड में जाएंगे और वहाँ की समस्याओं के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल कैमरा में गोपाल के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए मैं चारुल शर्मा।